भारतीय राजनीति के उभरते हुए स्थारे हैं, छात्र नेता हैं निर्मल चौधरी। निर्मल, आज आप भाषण देते हुए भी जबरदस्त आप गरजे। आपने पूरी नेशनल मीडिया को ये बताया किस तरह एक आम किसान परिवार का बेटा गांव ढाणी से उठकर विश्व पटल पर अपना नाम है वो दर्शाता है। आपने साथ साथ ये भी बताया किस तरह अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं, और आपका उदाहरण तो पूरे भारत देश ने देखा था जिस तरह जो आपके चुनाव में है। किस तरह मानते हैं इस तरह के मसलों को जब चैंपियंस वो सड़कों पर बैठे हुए हैं एक बाहुबली के खिलाफ? निर्मल चौधरी क्या कहेंगे? ये जनता देख कैसे ये लोग अन्याय कर रहे हैं। यदि मेडल लाने वाले लोगों के साथ ये इस प्रकार अन्याय करते हैं तो सोचिए आम जनता, वो तो बोल ही नहीं पाते, अपनी आवाज ही नहीं उठा पाते, उनके साथ क्या बीतती है, कितना अन्याय हो रहा है। ये तो कुछ उदाहरण है जो सामने आ गए, नहीं तो ऐसे बाहुबली जो बन के बैठे रहते हैं उनके खिलाफ लोग बोलने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। आप राजस्थान से आए हैं, पहले हनुमान बेनीवाल भी आए, आप भी आए हैं, तो लगातार इस बात की तस्दीक होती है कि मुद्दा है अब राष्ट्रीय स्तर पर है, वो लगातार जा रहा है राजस्थान की तरफ से। और बतौर एक यूथ आइकन होने के नाते निर्मल चौधरी ने क्या भरोसा है इन तमाम पहलवानों को आज दिया? बिल्कुल, इन पहलवानों के साथ हर संभव हर एक स्थिति परिस्थिति में इनके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और रहेगा, क्योंकि न्याय के लिए कोई लड़ेगा तो प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनता है उनको मजबूत करने का, उनके साथ खड़े रहने का, ताकि वो उस प्रकार का अन्याय किसी आम इंसान के साथ दोबारा से नहीं हो। जो ब्रजभूषण है, क्या प्रधानमंत्री आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी इस मामले पर आखिरकार क्यों है? क्या ब्रजभूषण जो बाहुबली हैं उनके दबाव में दिखाई देते हैं आपको भारत के प्रधानमंत्री? देखिए, एमएलए एमपीओ की तो बात ही नहीं है, जो मुख्यमंत्री प्रदेश के देश के जो मुखिया होते थे उनके खिलाफ ही कार्रवाई होती थी और वो भी डे जाते थे, तो ये तो थोड़ा समय लगेगा और न्याय तो मिलके ही रहेगा। निर्मल, लगातार किसान जातियों के चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे खिलाड़ी हो चाहे अन्य फील्ड के लोगों, उनको लगातार किसी क्षेत्रीय क्षेत्र से किसी कास्ट से है वो जोड़ा जा रहा है। आप तो यूथ आइकन है, आप क्या कहेंगे जब इस तरह की बातें निकल के आती हैं किसी एक पर्टिकुलर समाज से, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से जब यूथ जब कोई सेलिब्रिटी है उसको जोड़ के देखा जा रहा है यहाँ पे? देखिए, ये तो षड्यंत्र करते हैं, षड्यंत्र रचने की राजनीति के अंदर लोगों की आदत होती है। अब हिंदुस्तान की जनता इतनी भोली नहीं है जो षड्यंत्र का शिकार हो जाएगी। क्या इस मुद्दे का राजस्थान चुनाव में असर देखने को मिलेगा? प्रदेश देश की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर इस मुद्दे का मतलब निकलेगा और जनता समझेगी और आगे काम करेगी और वोट देगी। किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करेंगे ब्रजभूषण पर? कार्रवाई जो भी कानूनन रूप से बनती है उनके ऊपर, जो एक आम व्यक्ति अन्याय करता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई उस व्यक्ति के ऊपर भी होनी चाहिए जिन्होंने इनके साथ अन्याय किया। मैं हरियाणा से आया हूं, तो हरियाणा में आपकी काफ़ी पॉपुलरिटी है, तो हरियाणा के उन लोगों के लिए कोई मैसेज है जो निर्मल चौधरी देना चाहें? हरियाणा के लोग बड़े मजबूत भोले और सीधे साधे होते हैं और हमेशा वो न्याय के लिए लड़ना मजबूती से जानते हैं और आगे भी लड़ेंगे। बात करने के लिए उनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। बात करने के लिए जी धन्यवाद। निर्मल, तो दिक्कत है मेरा था, और पर मैं लगा तो रोक के 1 बार सोच रहा हूं कि एक आपका प्रोग्राम जब आप आ रहे हैं तो कांटेक्ट कर लीजिए।